मैं यतिवर्य कुमार विजय आज ज्योतिष के इस भाग में आपके सामने कुंडली के अंदर बनने वाले प्राय प्राय या ज़्यादातर ऐसे अशुभ योग और एक दो शुभ योगों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा जो लगभग लगभग प्राय प्राय कुंडलियों में पाए जाते हैं। अगर आपने मेरा अब तक वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें और नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर पास के बेल के बटन को भी दबाएं ताकि मेरा वीडियो जब भी आपको पोस्ट होते ही सबसे पहले मिल जाए। अब देखते हैं कुंडली के अंदर प्राय बनने वाले अशुभ योग के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य नौ ग्रहों में राजा माना गया है। अगर कुंडली में सूर्य शुभ हो तो ये बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, और अगर कुंडली में राहु के साथ या केतु के साथ चंद्रमा सूर्य बैठ जाता है तो सूर्य ग्रहण योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा अगर कुंडली में शुभ हो तो शुभ फल प्रदान करता है, थोड़ा अशुभ हो या कोई अशुभ योग के साथ हो तो फिर ज़्यादा शुभ फल प्रदान नहीं करता। इसके लिए हम देखते हैं कि चंद्रमा वृषभ राशि में कुछ अंशों तक उच्च का फल प्रदान करता है और वृश्चिक राशि में ये नीच का फल प्रदान करता है। चंद्रमा अगर सूर्य के साथ बैठते हैं तो वो अमावस के दिन या अमावस के आसपास का दिन हो जाता है, चंद्रमा अस्त हो जाता है। चंद्रमा अगर राहु या केतु के साथ बैठे तो ये चंद्र ग्रहण योग बनता है। अगर चंद्र ग्रहण योग जिसकी कुंडली में बनता है उनको जीवन में बहुत मानसिक असंतुष्टि का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा अगर गुरु के साथ बैठे तो गज केसरी योग बन जाता है, गुरु की दृष्टि में बैठे या गुरु से केंद्र भाव में बैठे तो भी सुफल प्रदान करता है। चंद्रमा अगर मंगल के साथ बैठे तो धन लक्ष्मी योग बना देता है। चंद्रमा के बाद में अब मंगल। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है, कर्क राशि में नीच का होता है, और मंगल अगर राहु के साथ बैठे या सूर्य के साथ बैठे या केतु के साथ बैठे तो अंगारक योग बना देता है। इस योग के कारण जीवन में कोई भी काम आसानी से नहीं बनता, बहुत लड़ाई झगड़े या कष्टों के साथ में काम बनता है। मंगल अगर शुभ ग्रह गुरु के साथ बैठे तो बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। मंगल शनि का अति शत्रु होता है, शनि के साथ बैठने पर ये शस्त्रघात योग या ऑपरेशन का योग बना देता है। मंगल के बाद में बुध। बुध एक सात्विक ग्रह है और बुध इसका कोई भी किसी के साथ भी ग्रह में बैठे तो उसके साथ वो वैसा ही फल देता है, इसलिए इसका कोई बुरा प्रभाव होता नहीं। बुध कन्या राशि में उच्च का और मीन राशि में नीच का होता है। बुध के बाद में गुरु। गुरु देवताओं का गुरु बृहस्पति के रूप में माने जाते हैं और गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच का फल प्रदान करते हैं। गुरु अगर राहु के साथ या केतु के साथ बैठे तो चंडाल योग बनता है। चंडाल योग का मतलब भीख मांगकर खाने वाला, यानी कि जीवन में उनको चाहे कितने ही तरक्की कर ले लेकिन एक दिन ऐसा होता है या एक दिन ऐसा आता है जब उनको कहीं से किसी और के आश्रय से या किसी और से प्राप्त करके भोजन करना पड़ता है या किसी के आश्रित रह कर भी एक दिन गुजारना पड़ता है। कईयों के तो जीवन में ऐसे योग होने पर पूरे जीवन वो संघर्ष ही करते नजर आते हैं। अब गुरु के बाद में शुक्र। शुक्र एक बड़ा ही सौम्य ग्रह है, यह धन दौलत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला ग्रह है। अगर शुक्र कुंडली में अच्छा हो तो बहुत से जीवन के दुखों का ये नाश कर देता है। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में नीच का फल प्रदान करता है। शुक्र अगर राहु के साथ, मंगल के साथ या केतु के साथ बैठ जाए या सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाए तो जीवन में स्त्री सुख का नाश कर देता है, पत्नी सुख का नाश कर देता है। बेमेल शादी होती है वो जरूर सफल होती है। बेमेल का मतलब
गैर जाति में हो, विधवा विवाह हो या विदुर विवाह हो, इस प्रकार से द्वितीय विवाह होता है वो ज़्यादा सफल माना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं शनि। शनि तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का फल देता है। शनि एक न्याय का देवता है। अगर ये शनि कुंडली में शुभ होता है तो जीवन में बहुत कुछ आसानी से हासिल होना शुरू हो जाता है। अगर शनि थोड़ा सा भी अशुभ स्थिति का हो तो जीवन में बहुत भारी कष्ट उठाने पड़ते हैं। शनि अगर सूर्य के साथ बैठे तो संघर्षों का जीवन बन जाता है, चंद्रमा के साथ बैठे तो विष योग बनता है और उससे भी जीवन में बहुत काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। मंगल के साथ बैठे तो जीवन में शत्रुता बढ़ती है, रोग ग्रहण ये सब बढ़ जाते हैं, घात योग भी बनता है। इसके बाद में अगर राहु के साथ या केतु के साथ बैठे तो भी ये अच्छा फल नहीं देता। इसलिए शनि को ही कुंडली में सबसे पहले सुख देने वाला या दुख देने वाला ग्रह के रूप में कैसा है यह देखा जाता है। आज की कुंडली में, आज के यो एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ ज़्यादा विस्तृत रूप से मैं कुंडली में बनने वाले अन्य अशुभ योग और शुभ योग के बारे में जानकारी प्रदान करूँगा। जय जिनेंद्र।